हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? फ्रेंड्स, आज का जो ट्यूटोरियल है, हम बताएंगे कि अगर आपके उस सिस्टम में या आपके लैपटॉप में वाईफाई नहीं पकड़ रहा है, नहीं काम कर रहा है, तो कैसे काम करेगा, उसको रीसेट कैसे करेंगे और उसको दोबारा से कनेक्ट कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, आपके पास अगर वाईफाई है और वो काम नहीं कर पा रहा है, आपका सिस्टम में कोई सेटिंग ख़राब हो गई है, तो उसको रीसेट कैसे करेंगे और उसकी जो सेटिंग है वो कैसे करेंगे और उसको कनेक्टिविटी कैसे करेंगे देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क है, आप देख सकते हैं कनेक्ट नहीं है, तो इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम तो इस पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग में जाएंगे। आप कंट्रोल पैनल से भी जा सकते हैं, बट हम डायरेक्ट यहाँ पे लेके आए हैं। तो ठीक है, हम वाईफाई यहाँ पे क्लिक करते हैं वाईफाई पे, और यहाँ पे आपको बहुत सारी सेटिंग मिल जाती हैं। इसमें आपको पहले, अगर आपके पास नेटवर्क है, तो मैनेज नो नेटवर्क में जाना होता है, बट यहाँ पे नेटवर्क से भी कोई नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे जोड़ेंगे और कैसे कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप चेंज एडवांस शेयरिंग ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे वाईफाई आपको ऑन कर देना है। उसके बाद में नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाना है। ठीक है, ओपन हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेटअप ए न्यू नेटवर्क कनेक्शंस बता रहा है यहाँ पे, तो एक न्यू कनेक्शंस हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो हमारा मैन्युअली कनेक्ट वायरलेस नेटवर्क पे जाएंगे और ये विंडो खुल गई है। इसमें हम नेटवर्क का नाम सही सही भरेंगे, गलत भरेंगे तो ये कनेक्ट नहीं करेगा। तो चलिए हम इसमें सही सही नाम भर लेते हैं। ओके, हमने यहाँ पे नेम टाइप कर दिया है। उसके बाद अपना जो इसका जो टाइप है, सिक्योरिटी टाइप जो है आपका, जो भी हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। हमारा जो था मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी की डालनी है, यानी आपका जो वाईफाई का पासवर्ड है वो यहाँ पे डालना है। तो ठीक है, हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं। ओके, हमने यहाँ पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ पे चेक लगा दिया है, स्टार्ट कनेक्शन ऑटोमेटिकली पे। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट करते हैं। ओके, वेट कर लेते हैं। अब देखिए, इसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो वाईफाई है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप, लेकिन ध्यान रहे आपका पासवर्ड और आपका जो नेटवर्क का नेम है वो सही सही होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही है, आप नेटवर्क को रीसेट करना चाहते हैं पूरा एक तरीके से, रीसेट करने के बाद में आप कनेक्टिविटी देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हम आपको कंट्रोल पैनल में ले चलते हैं, इसके थ्रू हम समझाएंगे। यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। ओके, कंट्रोल पैनल हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में आपको नेटवर्क इंटरनेट ऑप्शंस में जाना है। ओके, इंटरनेट ऑप्शंस में जाने के बाद आपको लास्ट में देखिए एडवांस लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको रीसेट यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर एक बार वार्निंग देगा कि आप सच में रीसेट करना चाहते हैं, तो आपको रीसेट कर देना है। बट अभी हमारा यहाँ कनेक्टिविटी सही हो रहा है, तो हम यहाँ रीसेट इसको नहीं कर रहे हैं। अगर आपका कनेक्शन सही से काम नहीं कर रहा तो आप यहां से रीसेट कर सकते हैं, बट ये रीसेट के बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं आएगा, आपको ओके कर देना है और रीसेट हो जाएगा। उसके बाद जो हमने कनेक्टिविटी बताई है कैसे कनेक्ट किया जाएगा, वो वैसे आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप उसी सेटिंग से, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।